खोराबार पुलिस ने एक सातिर चोर को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संदीप गौड़ पुत्र स्वर्गीय हरिलाल गौड़ निवासी दंतरंगवा थाना तितरी बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर हाल पता काशीराम आवास कॉलोनी ब्लॉक जे थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि जनवरी महीने में ग्राम जंगल सिकरी, मार्च महीने में ग्राम जंगल सिकरी टोला बिन टोलिया तथा रामगढ़ उर्फ रजही थाना खुराबार से तथा रामगढ़ताल क्षेत्र अंतर्गत अप्रैल माह में आजाद नगर पूर्वी से तथा अप्रैल माह में ही साकेत नगर रामगढ़ताल व मार्च माह में भरवलिया बुजुर्ग रामगढ़ताल से एक बंद मकान में घुसकर पेचकस की सहायता से ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी किया था तथा गीडा से वर्ष 2021 सितंबर माह में बुकटा चौराहे के पास स्थित एक मकान में तथा वर्ष 2022 जनवरी माह में शाही होटल गीडा के पास स्थित एक मकान में तथा वर्ष 2022 अप्रैल महीने में तेलियाडीह स्थित एक मकान में रात्रि में घुसकर दरवाजे का ताला तोड़कर कुछ नगद पैसा व जेवरात चोरी किया था। जब चोरी किए गए माल व नगद पैसे के संबंध में पूछा गया तो बताया कि नगद पैसा खाने पीने व नशा करने व कर्जा बांटने में खर्च हो गया है तथा जेवरात के संबंध में बताया कि कुछ जेवरात राह चलते राहगीरों को बेचकर मैंने पैसा लेकर खर्च कर दिया है तथा कुछ जेवरात मैं अपने काशीराम आवास कॉलोनी में अपने कमरे के अलमारी के लॉकर में छुपाकर सुरक्षित रखा हूं, जिसके निशानदेही पर खुराबार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को लेकर उसके घर जो काशीराम आवास कॉलोनी में स्थित है वहां पहुंची। अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर अलमारी के लॉकर को खोलकर एक बड़े पॉलिथीन के अंदर छोटे छोटे पीले पॉलिथीन में रखे जेवरात को दिखाया, जिसे उसकी पत्नी की उपस्थिति में पुलिस कब्जे में लेकर बारी बारी खोलकर देखा गया तो उसके पास से 13 पीस सोने की अंगूठी, गले का एक पीस सोने का हार, सोने का एक पेंडल सेट, एक पीस मांगटी का सोने का नथिया व लरी, एक एक पीस सोने का कान का झाला, 8 कनौती, 2 पीस सोने का कान की बाली, 4 सोने का कान की सुई धागा, 8 पीस सोने का कान का टप्स, 4 सोने का छोटा टुकड़ा सोने का एक पीस बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल अनुराग सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कैमरा पीछे चलो। बीती रात थाना खोराबार क्षेत्र के सिकटौर गांव में एक चोर जो मूल रूप से सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है लेकिन यहां रामगढ़ताल में अस्थायी रूप से रहता है किराए के मकान में, ये किसी घर में घुसा और वहां से चोरी किया था लेकिन ग्रामीण जाग गए और उसे इसे दौड़ा के पकड़ लिया और चोरी की गई जो सोने के ज्वेलरी थी वो उसने बरामद कर लिया और पुलिस के पास सपोर्ट किया। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये अकेला चोर है जिसके गैंग में कोई और नहीं मेंबर है और ये घरों में इसी तरह से घुसता है और चोरी करता है। लगभग 7 लाख रुपए की ज्वेलरी इससे बरामद हुई है, जिसमें 4 मुकदमे तो खोराबार थाना क्षेत्र के हैं, 3 मुकदमे रामगढ़ताल क्षेत्र के हैं और 3 मुकदमे गीडा से संबंधित हैं। तो इस तरह से ये सिंगल मैन का गैंग है, गैंग क्या कहा जाएगा,
जो सुनसान घरों में या फिर सोते समय लोगों के बड़ी सतर्कता से घुस जाता है और ज्वेलरी पर ही हाथ साफ करता है। तो लगभग 10 मुकदमे इसके अभी तक के प्रकाश में आ चुके हैं। आगे पूछताछ में और जानकारी की जाएगी किसने कहां कहां घटनाएं की हैं। वैसे इसे खुद भी याद नहीं है किसने कितनी घटनाएं की हैं, लेकिन जो पुलिस में रिपोर्टेड केस हैं वो संख्या दहाई में पहुंच रही जो अब तक पता चल चुके हैं। आगे और कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी इसे न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।